हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक है। ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ उपमा। ये देखिए गाइस, उपमा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी, मूंगफली के दाने, काजू और किशमिश लिए हैं। और यहाँ पे मैंने गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ते और नमक लिए हैं। उपमा बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक पैन में 2-3 कप पानी गर्म कर लूँगी। उसके बाद में ये जो सूजी है ये फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गाइस, सूजी को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अभी मैं थोड़ी सी घी दे दूँगी। देखिए गाइस, घी में मैं सूजी डाल दिए है। अभी सूजी को मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह से ऐसे घी के साथ फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गाइस, सूजी हमारी फ्राई हो गई है। अभी मैं एक बोल में निकाल लूँगी। देखिए गाइस, सूजी मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं मूंगफली और काजू किशमिश वो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मूंगफली मैंने दे दिए हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगी तब मैं यहाँ पे काजू किशमिश भी दे दूँगी। ये देखिए गाइस, मूंगफली हमारी हो गई है। अभी मैं काजू और किशमिश दे दूँगी और 1 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, काजू किशमिश और मूंगफली सारे हमारे फ्राई हो गई है। अभी मैं एक बोल में निकल के अभी उपमा बनाऊंगी। ये देखिए गाइस, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अभी मैं जीरा और जो सरसों है वो दे दूंगी। उसके बाद मैं प्याज और हरी मिर्च भी दे दूंगी। प्याज और हरी मिर्च मैंने दे दिए हैं। अभी मैं गाजर और टमाटर और नमक दे दूंगी। अच्छी तरह से 1 मिनट तक मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाइस, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च ये सब मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे सूजी डाल दूँगी। मैं सूजी के साथ अच्छी तरह से और 2 मिनट तक मिक्स कर लूँगी। देखिए गाइस, सूजी को अच्छी तरह से गाजर, टमाटर इसके साथ अच्छी तरह से 2 मिनट तक मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं जो पानी पहले गर्म कर लिए थे वो पानी दे दूँगी। ये देखिए गाइस, पानी मैंने दे दिए हैं। अभी मैं ढक्कन देके और 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए गाइस, पानी हमारी थोड़ा सूख गई है। अभी मैं और 1 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं वो जो मूंगफली के दाने, काजू किशमिश वो दे दूंगी। ये देखिए गाइस, पानी हमारे अच्छी तरह से सूख गई है। अभी मैं ये सब दे दूंगी। और मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं हरा धनिया दे दूंगी। ये देखिए गाइस, उपमा हमारी रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खिला खिला हो गई है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बॉल में निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ। उपमा हमारे रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। खाने में भी बहुत ही मज़ा आ जाएगा गाइस। आप लोग भी घर में ऐसे बना के खाए और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए आज की ये जो पोहा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।